अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है, एक ऐसा ख्वाब जिसको हर आए दिन हकीकत में पूरा किया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिनको दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में शुमार किया जाता है, उनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत तब होती है जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। और ये बात हिस्ट्री से भी साबित होती है कि 4 में से 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हमले में तब मारे गए जब वो ट्रेवल कर रहे थे, और वो थे प्रेसिडेंट जेम्स गारफील्ड और जॉन एफ कैनेडी। इन वाकयात के बाद से प्रेसिडेंट का ट्रेवल करना इंतहाई रिस्की समझा जाता है। इस काम को, यानी दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बाकायदा प्लानिंग के साथ ये काम अंजाम देना होता है। वैसे तो उनकी पूरी कोशिश होती है कि प्रेसिडेंट जहां भी जाएं उनको Marine 1 हेलीकॉप्टर या Air Force 1 प्लेन के जरिए ट्रेवल करवाया जाए, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की मंजिल सिर्फ 20 मिनट तक की ड्राइव पे होती है तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है प्रेसिडेंशियल मोटरकेड। अमेरिकन प्रेसिडेंट के मोटरकेड में 50 से ज्यादा गाड़ियां और 150 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। ये सारी गाड़ियां और इनमें बैठे हर शख्स का अलग अलग काम होता है। इस सफर के दौरान एक एक चीज पहले से प्लान होती है। प्रेसिडेंट किस तरफ से गाड़ी में बैठेंगे, कौन सी गाड़ी आगे और कौन सी सबसे आखिर में आएगी, और हत्ता के कौन सा आदमी प्रेसिडेंट की गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, ये सारा कुछ पहले से प्लान होता है। अगर एक भी हरकत प्लान से हटकर हुई तो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के लिए ये खतरे की घंटी होती है। प्रेसिडेंट का मोटरकेड 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले हिस्से में 30 के करीब मोटरसाइकिल्स या पुलिस कार्स होती हैं। ये प्रेसिडेंट की लिमोजीन से 10 मिनट आगे होती हैं और इनका काम होता है आगे रहकर रोड को क्लियर करवाना। इन 30 गाड़ियों को एक रूट कार लीड कर रही होती है। ज्यादातर ये गाड़ियां प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से पहले पहुंचकर रोड के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर देती हैं, ताकि प्रेसिडेंट के गुजरने तक कोई भी प्राइवेट गाड़ी रोड पर ना आने पाए। लेकिन रोड को क्लियर करवाने का ये तरीका हर जगह के लिए अलग अलग होता है। अक्सर रोड क्लियर करवाने के लिए दूसरी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जैसा कि इस वीडियो में पुलिस मोटरसाइकिल्स एक वी पैटर्न में रोड को क्लियर करवा रही हैं। मोटरकेड का ये पहला हिस्सा सिर्फ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स नहीं चलाते, बल्कि इसमें लोकल पुलिस स्टेशन की गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी शामिल होती हैं। अब बात करते हैं मोटरकेड के दूसरे हिस्से की। दूसरे हिस्से में सबसे आगे होती है लीड कार या फिर लीड मोटरसाइकिल। मोटरकेड की बाकी तमाम गाड़ियां इस लीड मोटरसाइकिल को फॉलो करती हैं। कॉन्वॉय को कौन से रोड से लेकर जाना है और कितनी स्पीड से लेकर जाना है, ये सारा प्लान लीड मोटरसाइकिल के जरिए एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इस लीड कार के बाद जो गाड़ियों का ग्रुप आप देख रहे हैं, इनको सिक्योर पैकेज कहा जाता है। क्योंकि ये गाड़ियां डायरेक्टली प्रेसिडेंट को महफूज रखती हैं, इसी वजह से मोटरकेड पर हमले की सूरत में ये सिक्योर पैकेज पूरे मोटरकेड से अलग होकर भी ऑपरेट कर सकता है। इस सिक्योर पैकेज में सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी होती है प्रेसिडेंट की लिमोजीन, लेकिन ये किसी को भी मालूम नहीं होता कि असल में प्रेसिडेंट कौन सी लिमोजीन में बैठे हैं, क्योंकि एक जैसी 2 लिमोजीन सिक्योर पैकेज में ट्रेवल करती हैं। इन दोनों लिमोजीन में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं होता। इनका मॉडल, कलर, टायर साइज, फ्लैग और हत्ता के इन दोनों की नंबर प्लेट्स भी एक जैसी होती हैं। दौरान सफर प्रेसिडेंट की दोनों लिमोजीन अपनी पोजीशन भी चेंज करती रहती हैं, ताकि अगर किसी अटैकर को मालूम भी पड़ जाए कि प्रेसिडेंट कौन सी लिमोजीन में बैठे हैं, तो फिर भी वो एक जैसी लिमोजीन देखकर कंफ्यूज हो जाए। ये लिमोजीन, जिसको द बीस्ट भी कहा जाता है, ये कोई आम गाड़ी नहीं है, क्योंकि इसको खास तौर पे प्रेसिडेंट के लिए तैयार किया गया था। प्रेसिडेंट की लिमोजीन को मजबूत बनाने के लिए इसको एक ट्रक के फ्रेम पर बनाया गया है। इसकी पूरी बॉडी बुलेट प्रूफ और इसकी सारी विंडोज 5 इंच मोटे बैलिस्टिक ग्लास से बनाई गई है। इस बैलिस्टिक ग्लास को करीब से फायर की गई बुलेट भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो को छोड़कर बाकी सारी विंडोज सील होती हैं, यानी इन विंडोज को खोलने का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं होता। 9 टन वजनी इस लिमोजीन में प्रेसिडेंट की सेफ्टी की तमाम चीजें मौजूद होती हैं, जैसा कि रॉकेट ग्रेनेड्स, नाइट विजन, टियर गैस, शॉटगन्स, इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर, फर्स्ट एड किट और प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की 2 बॉटल्स भी हर वक्त मौजूद रहती हैं। इस लिमोजीन के टायर्स भी कोई आम टायर्स नहीं हैं। अगर ये बर्स्ट भी हो जाएं, तब भी गाड़ी तेज स्पीड में चलने की कैपेबिलिटी रखती है।
सिक्योर पैकेज में सबसे आगे चलने वाली ये गाड़ी बॉम्ब जैमर का काम करती है। इसको यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सबर्बन भी कहा जाता है। इसके ऊपर दिए गए दो एंटीनास दूर दूर तक रेडियो सिग्नल्स फेंकते हैं ताकि अगर रास्ते में कोई बॉम्ब प्लांट किया गया हो तो वो जैम हो सके। ना सिर्फ इतना बल्कि ये गाड़ी मोटरकेड को गाइडेड मिसाइल से भी बचा सकती है। इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो अपनी तरफ आने वाले गाइडेड मिसाइल को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं। गाइडेड मिसाइल गाड़ी से निकलने वाली हीट को फॉलो करते हैं और इस सूरत में ये गाड़ी फ्लेयर्स छोड़कर गाइडेड मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सिक्योर पैकेज में मौजूद ये गाड़ी कंट्रोल कार कहलाती है। इसमें प्रेसिडेंट का पर्सनल डॉक्टर और ऑफिस स्टाफ मौजूद होता है। सबसे पीछे चलने वाली इन दोनों गाड़ियों में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स मौजूद होते हैं। करीब वाली गाड़ी हाफ बैक कहलाती है, जिसमें बैठे एजेंट्स हर वक्त प्रेसिडेंट के साथ मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी कैट कार यानी काउंटर असॉल्ट टीम कार कहलाती है। इन दोनों गाड़ियों की पिछली विंडोज हर वक्त खुली रहती है, जिसमें एजेंट्स ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार देखे जा सकते हैं। हमले की सूरत में पहले वाली गाड़ी में मौजूद एजेंट्स प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अटैकर पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। मोटरकेड में मौजूद इन वैन्स के अंदर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट होते हैं, जबकि ये गाड़ी आईडी कार कहलाती है। इसमें एजेंट्स आसपास के एरिया में मौजूद दूसरे एजेंट्स से कांटेक्ट में रहते हैं, जो आईडी कार को हर छोटे बड़े इवेंट से आगाह करते रहते हैं। ये ब्लैक ट्रक भी मोटरकेड का एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीन पार्ट है। इसमें ट्रेंड स्टाफ और सीक्रेट मशीनरी प्रेसिडेंट को केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल अटैक से महफूज रखती है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये रोड रनर कहलाती है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ एंटीनाज लगे देखे जा सकते हैं। ये गाड़ी एक चलता फिरता मोबाइल टावर है, यानी मोटरकेड में मौजूद तमाम गाड़ियों के वायरलेस इस रोड रनर के जरिए चलते हैं। प्रेसिडेंट को इंटरनेट इस्तेमाल करना हो या फिर किसी से फोन पे बात करनी हो, मोटरकेड का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम इस रोड रनर के थ्रू चलता है। प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय में एक एम्बुलेंस भी होती है। अगर इस पूरे मोटरकेड में कोई जख्मी हो जाए तो इस एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर्स की टीम फौरन उसको फर्स्ट एड देती है। आखिर में आने वाली ये गाड़ी भी सीक्रेट सर्विस एजेंट्स की गाड़ी है, जो बैकअप सपोर्ट का काम अंजाम देती है। और आखिर में पीछे से कोई भी गाड़ी ओवरटेक करके मोटरकेड को क्रॉस ना करे, इसी वजह से सबसे आखिर में ये पुलिस कार्स पूरे रोड को कवर करके चलती हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि ये सारा का सारा मोटरकेड स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग तक हेलीकॉप्टर की नजरों में भी रहता है। इस हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक मशीन गन, स्नाइपर्स और सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पूरे कॉन्वॉय को मॉनिटर करते रहते हैं। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसा कि आप इस वीडियो में पहले भी जान चुके हैं कि मोटरकेड का इस्तेमाल सिर्फ तब किया जाता है जब प्रेसिडेंट को कहीं करीब जाना हो, पर अगर प्रेसिडेंट को आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो फिर इस मिशन की मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से दो दिन पहले उनकी दोनों लिमोजीन, सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां और जैमर कार्स एक C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन में लोड करके भेजी जाती हैं। प्रेसिडेंट के फ्लाई करने वाले दिन वो व्हाइट हाउस से मरीन वन हेलीकॉप्टर में बैठकर एयरबेस की तरफ रवाना होते हैं। प्रेसिडेंट के इस्तेमाल में आने वाली हेलीकॉप्टर को मरीन वन कहा जाता है और ये हेलीकॉप्टर भी अकेले फ्लाई नहीं करता। एक जैसे पांच हेलीकॉप्टर्स एक ही साथ टेक ऑफ करते हैं ताकि किसी को भी ये पता ना लग सके कि प्रेसिडेंट कौन से हेलीकॉप्टर में सवार हैं। एयरबेस में लैंड करते ही यूएस एयरफोर्स के दो मॉडिफाइड बोइंग 747 जहाज प्रेसिडेंट के इंतजार में पहले से ही खड़े होते हैं। जिस तरह मरीन वन उस हेलीकॉप्टर को कहा जाता है जिसमें प्रेसिडेंट सवार होते हैं, इसी तरह जिस एयरप्लेन में प्रेसिडेंट सवार होते हैं उसको एयरफोर्स वन कहा जाता है। फ्लाइट के दौरान प्रेसिडेंट को किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, इसीलिए इस जहाज में प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी की तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद होती हैं, जिसमें प्रेसिडेंशियल स्टेट रूम, एग्जीक्यूटिव ड्रेसिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम और डाइनिंग रूम भी शामिल हैं। साथ साथ इसमें फुल किचन और प्रेसिडेंट का ऑफिस भी मौजूद होता है। प्रेसिडेंट की लिमोजीन और मरीन वन हेलीकॉप्टर की तरह एयरफोर्स वन भी अकेला फ्लाई नहीं करता। यहाँ भी एक जैसे दो प्लेन्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं। प्रेसिडेंट के टेक ऑफ करने के बाद एक और मुश्किल तरीन अमल शुरू हो जाता है और वो होता है उनके हेलीकॉप्टर्स को कार्गो प्लेन में लोड कराना।
जी हाँ, प्रेसिडेंट जहाँ भी जाते हैं उनके मोटरकेड के साथ साथ उनके हेलीकॉप्टर भी साथ ही जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री में अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो हेलीकॉप्टर ही वो वाहिद सवारी होती है जिसको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए खास एयरफील्ड की जरूरत नहीं होती। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स को फोल्ड करके C-17 ग्लोब मास्टर में लोड किया जाता है और अब ये कार्गो जहाज भी प्रेसिडेंट के जहाज के पीछे पीछे रवाना हो जाता है। नाजरीन, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्रेवलिंग को सिक्योर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसमें खर्चा भी ठीक ठाक होता है। वेंडोवर प्रोडक्शंस की एक रिसर्च के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क सिटी में यूएन हेडक्वार्टर्स तक प्रेसिडेंट को पहुंचने में 1 घंटा लगता है और जिसमें टोटल $1,57,000 खर्च हो जाते हैं, जो तकरीबन 1,17,00,000 रुपए बनते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ एक तरफ का खर्चा है, प्रेसिडेंट के वापस आने का खर्चा इसमें शामिल नहीं है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।